हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से निकल कर के आया है। तो हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे किस पद के लिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कितने वैकेंसी कितना आपको सैलरी दिया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं पद के बारे में। लेफ्ट साइड में इन्होंने पद का नाम दिया है और बीच में क्वालिफिकेशन है, और राइट साइड में इन्होंने सैलरी के बारे में बताया है। पहला जो पद है वह सीनियर मैनेजर का, एक पोस्ट के लिए है। बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में या फिर साइंस में। और यदि आपके पास MBA है और एक्सपीरियंस है तब आपको वरीयता दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो 49,000 प्लस HRA दिया जाएगा, जो भी आपका हाउस रेंट होगा वहाँ का उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। मैनेजर के लिए पद आया दो पदों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए ही। इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, और मास्टर डिग्री है तब भी नहीं है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास MTech है एक्सपीरियंस के साथ तब आपको वरीयता दी जाएगी 31,000 रुपया, और साथ में HRA दिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे, मैनेजर IPR के बारे में है। तो इसमें बैचलर डिग्री, इसमें भी इंजीनियरिंग या मास्टर में होना चाहिए, एक पोस्ट के लिए है, और 31,000 रुपया प्लस HRA आपको दिया जाएगा। और उसके अलावा मैनेजर का आप देख सकते हैं, तो मैनेजर फिनांस के लिए एक पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री सेम क्वालिफिकेशन है, और यदि आपके पास MBA है फिनांस में और एक्सपीरियंस है अकाउंट्स वगैरह में तब तो और बेहतर है। 31,000 रुपया प्लस HRA वेतन के तौर पे दिया जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट है। एसेंशियल क्या है? ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। और डिजायरेबल क्या है कि यदि आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई कोर्स किया आपने, ऑफिस वर्क करने का एक्सपीरियंस है आपको, डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है, तब आपको वरीयता दी जाएगी 18,000 रुपया, और साथ में आपको HRA दिया जाएगा। आगे बात करते हैं असिस्टेंट के लिए, एक पद के लिए है। इसमें मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ कहा है कि 12th पास्ड और इक्विवेलेंट फॉर असिस्टेंट्स टू अदर स्टाफ इन TEC, अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। 12,000 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा इस पद के लिए। ये नीचे में फॉर्म दिया गया है, आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके फॉर्म को भर के आप भेज सकते हैं। ठीक है, भेजना कहाँ है? पंजाब विश्वविद्यालय के जो एड्रेस है चंडीगढ़, वहाँ पर आपको इसको भेज देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और लोगों को शेयर कर दीजिए।